स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 लाइट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था कि जब भी मिरर के पास कोई लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से इमेज बनती है। अब इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज कितनी दूरी पे बनती है ऑब्जेक्ट से, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने आपको एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। ठीक है, अच्छा, लाइटेड कैंडल है बच्चों, जलती हुई मोमबत्ती है, तो आपको कुछ क्वेश्चन भी लेना पड़ेगा। क्या लेना है आपको, कुछ सावधानी बरतनी होगी। हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर। ठीक है, बहुत संभाल कर आपको मोमबत्ती का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जो है वो जलती हुई है और इससे आग लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और आप अगर इस एक्टिविटी को किसी बड़े की प्रेजेंस में करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो बच्चों, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर। अब देखने की कोशिश करो बच्चों, ये जो फ्लेम है कैंडल की, इसको मिरर में देखो। ठीक, इट अपीयर्स एज इफ अ मिरर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। और इस मिरर को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एक मोमबत्ती इस मिरर के पीछे रखी हुई है। ठीक है, और जो मोमबत्ती हमें इसके पीछे लगती हुई दिखाई दे रही है ना, इसको इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। ये बच्चों एक इमेज है, ये कैंडल है, ये फाइनल ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है। इमेज मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोमबत्ती जो है वो मिरर के पीछे रखी हुई है। तो इस तरह की जो मोमबत्ती मिरर में बन रही है, इसको हम इमेज कहते हैं। और जो मोमबत्ती हमने रखी है, वो मोमबत्ती क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज आपको समझ में आया। ठीक, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब क्या करना है, गेम खेलना है बच्चों। पहले मोमबत्ती इधर रखी, फिर इधर रखो, फिर इधर रखो, फिर इधर रखो, फिर दूर ले जाओ, फिर पास लेके आओ और उसकी इमेज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, अच्छा, पहले इधर रखी मोमबत्ती, फिर इधर रखी, फिर इधर रखी, फिर इधर रखी, अलग अलग पोजीशंस पे आप मोमबत्ती को रखें मिरर के सामने और बच्चों कुछ ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है यहाँ पे, वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। क्या जो इमेज बनी हुई है वो जस्ट उसके सामने ही बनी है ऑब्जेक्ट के? फ्लेम appear on top of candle as in object। क्या जो फ्लेम है कैंडल की या जो आग है वो सेम दिखाई दे रही है आपको? मतलब जो इमेज है, इमेज और जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों की फ्लेम जो है, ऊपर की जो फ्लेम है कैंडल की, वो सेम है? सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इस इमेज को क्या कहते हैं हम? इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज? इरेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज? वर्चुअल या फिर इरेक्ट इमेज। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। और जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है उसको इरेक्ट इमेज कहते हैं। इसका मतलब कुछ और भी ऐसे मिरर हैं जो कि इमेज को बनाते हैं। ठीक है, और किस तरह की इमेज बनाते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बच्चों। बट अभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज होती है। कैसी होती है? इरेक्ट। एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और सेम साइज की, यानी जितनी लंबाई की ऑब्जेक्ट है आपकी, उतनी ही लंबाई की इमेज भी बनेगी।
जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कैंडल है, ये कैंडल की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इस ये जो इमेज बन रही है ना मिरर में, उसकी भी उतनी ही लंबाई है। दोनों सेम साइज की हैं, सेम साइज की हैं। ये जितनी मोटी है उतनी ही मोटी ये है। इसकी फ्लेम जैसी आ रही है उसी तरह सेम, जस्ट सेम फ्लेम जो है वो दूसरी कैंडल की भी है। समझ में आया? अब देखो, नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब क्या करना है हमें, हमें एक स्क्रीन रखनी है मिरर के पीछे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, और कोशिश करो कि उस स्क्रीन पर इमेज आ जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या स्क्रीन पर इमेज आएगी? जब आप इस मिरर के पीछे एक स्क्रीन रखेंगे तो क्या उस स्क्रीन पर इस कैंडल की इमेज आएगी? कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? यू विल फाइंड दैट इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस। यानी किसी भी परिस्थिति में आप चाहे कैंडल को यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, जब जो स्क्रीन होगी जो मिरर के पीछे है उस पर इमेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो इमेजेस हैं ये अपने आप में इरेक्ट इमेज है, ये इमेजेस स्क्रीन पर नहीं बनती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाई जाती है वो इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, वो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इरेक्ट इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं बनती है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर? अब डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस का क्या हुआ, कितनी दूरी पर बन रही है मिरर से इमेज? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इससे पहले फूजो की बात सुनते हैं। फूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, उसने अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लिया। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? बच्चों इट इज़ अ गुड हैबिट, आपको करना चाहिए। जो पॉइंट आपको समझ में आता है या जो भी आप सीखते चलते हो उसको एक नोटबुक में नोट करते रहना चाहिए। इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ सेम साइज एज मी, वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। कितनी बढ़िया बात पकड़ी है इसने, इसने कहा कि मिरर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो इमेज जो ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ सेम उसी के साइज की इमेज बन रही है। ये पॉइंट इसने पकड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट बच्चों बहुत ज़्यादा सही है, चाहे मिरर जो है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो इमेज होगी वो एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके और भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 15.3। टेक अ चेस बोर्ड, आपको क्या लेना है इसमें? एक चेस बोर्ड लेना है। आप सभी ने चेस खेला होगा, और खेला नहीं होगा तो चेस बोर्ड ज़रूर देखा होगा। ठीक है, चेस बोर्ड में इस तरह से 8 स्क्वायर्स होते हैं और 8 स्क्वायर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लेंथ वाइज भी 8 स्क्वायर्स होते हैं और ब्रेथ वाइज भी 8 स्क्वायर्स होते हैं। तो क्या करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं और ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है? तो देखो बच्चों, इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप चेस बोर्ड बना सकते हैं। चेस बोर्ड बनाना बच्चों कुछ इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। आपको 8 स्क्वायर्स इधर बनाते चलने हैं, 8 स्क्वायर्स इधर बनाते चलने हैं, और इन सारे स्क्वायर्स से स्क्वायर्स को जोड़ना है। तो टोटल आपके पास 8 × 8 स्क्वायर्स, यानी 8 स्क्वायर्स यहाँ पर और 8 स्क्वायर्स यहाँ पर, इस तरह से आप बनाएंगे तो टोटल आपके 64 स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, 8 × 8 = 64, यानी ये लाइन इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, और इस तरह से ये पूरी 8। ठीक, तो आप एक चेस बोर्ड खुद से बना सकते हैं।
ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, और जो पेपर लिया है या फिर आपने चेस बोर्ड लिया है उसके जस्ट बीच में एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। आठ आठ का क्या, आठ जैसे आप लेंथ वाइज देखो, देखो बच्चों ये एट होगी, टोटल एट स्क्वायर्स होंगे, तो आप चार स्क्वायर्स के बाद लाइन खींच दीजिएगा, ठीक। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, फिर क्या करना है, एक मिरर को इस लाइन पर रखना है, खड़ा करके रखना है, वर्टिकली रखने का मतलब खड़ा रखना है, ठीक। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से, आपने थर्ड स्क्वायर पर, यहाँ पर थर्ड स्क्वायर जो है उस पर आपने क्या किया, कोई भी शार्पनर पेंसिल कुछ भी रख दिया, तो बच्चों आप मिरर में देखोगे कि मिरर में भी, जैसे यहाँ पर मिरर से और इसकी डिस्टेंस एक स्क्वायर की हो गई, ठीक, तो अंदर मिरर में भी देखोगे तब भी एक ही स्क्वायर की मिलेगी, और पीछे जो बॉक्सेस होंगे ना वो सेम होंगे, जो बॉक्सेस इस शार्पनर के पीछे हैं वो इस इमेज में जो शार्पनर के पीछे बॉक्सेस हैं वो सेम होंगे, और यहाँ पर जो शार्पनर है और मिरर है इसकी डिस्टेंस, और यहाँ पर जो मिरर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक स्क्वायर की है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बच्चों क्या सीखने को मिला आपको यहाँ से, देखो इधर नोट द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन देखो, अगर इस कटर को मैंने मिरर से एक स्क्वायर की दूरी पे रखा है तो जो इमेज बन रही है इमेज, वो इमेज भी एक स्क्वायर की दूरी पर है मिरर से, ये आप साफ साफ नोटिस कर सकते हो। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर, अब आप क्या करो, इसको फोर्थ स्क्वायर तक शिफ्ट करो, यानी एक कदम पीछे ले आओ, तो अब मिरर और कटर की दूरी कितनी हो गई, दो स्क्वायर की हो गई, और अब इस इमेज जो आ रही है ना, इमेज वो भी दो स्क्वायर की दूरी पर ही आ रही है, अगर आप मिरर से देखो तो, अब मिरर से इमेज को देखो, दो स्क्वायर की दूरी आएगी बच्चों, समझ में आ रहा है। अगेन नोट द पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज को देखते चलो, ऑब्जेक्ट रखकर इमेज को देखते चलो। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, क्या आपको कोई रिलेशन समझ में आया, अगर आप एक स्क्वायर तक की दूरी पर मिरर को ऑब्जेक्ट को रखते हो तो एक ही स्क्वायर तक की दूरी पर इमेज बन रही है, ये रिलेशन आया, यानी जितनी दूरी पर आप मिरर से ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज बनेगी। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको समझ में आया या नहीं आया, आई वॉन्ट टू रिपीट इट, जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर से इमेज रखी होगी, समझ में आया, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। आप इसको अपने घर पर भी करके देखना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी आप अपने घरों में जरूर परफॉर्म करें, ठीक। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, समझ में आया, वही लाइन है जो मैंने अभी कहा कि जो इमेज है वो सेम दूरी पे बनेगी मिरर के पीछे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होगा, समझ में आया। देखो समझो, ये मिरर है, इस मिरर पर ये ऑब्जेक्ट है, जितनी दूरी ये होगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इमेज बनी है मिरर के पीछे, ठीक है, ये मिरर है, क्या है ये बच्चों, मिरर है, ठीक, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी, यानी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी, समझ में आया, उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज बनेगी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में
इक्वल होंगी बट ये मिरर के पीछे होगी तो आप इसको मेज़र नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वाई हमने चेस बोर्ड लिया है जिससे आप इसको आसानी से समझ सको। ठीक, नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनी वेयर ऑन द चार्ट पेपर। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, चार्ट पेपर पे कहीं पर भी रख दीजिए। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल आएंगी। ठीक, पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। उसने अपनी नोटबुक पर एक नोट बनाकर लिख लिया। आपको भी अपनी नोटबुक पर नोट बनाकर लिखना चाहिए। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नया नया सीखते हो उसको आपको अपनी नोटबुक पर नोट करते रहना चाहिए। ठीक है, इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सबसे पहली जो पते की बात है वो क्या है कि जो मिरर है प्लेन मिरर उसमें इमेज मिरर के पीछे बनती है। कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। गॉट इट? इट इज इरेक्ट। और इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। ये प्लेन मिरर का ये कह लो जो मैंने आपको समझाया उसको बहुत शॉर्ट में लिखा है इसने और बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो मिरर के पीछे बनती है, साथ ही वो इमेज इरेक्ट होती है। ठीक है, और सेम साइज की होती है। एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और मिरर से सेम दूरी पे होती है, जितनी ही दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर के सामने उतनी ही दूरी पर इमेज भी रखी होती है मिरर के पीछे। तो बच्चों ये बिल्कुल शॉर्ट में जो आपको समझाया ये बिल्कुल शॉर्ट में आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दिस पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? तो चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं राइट और लेफ्ट। आप सभी अपने घरों में डेली मिरर देखते हो, अपने आप को डेली शीशे के सामने देखते हो। बट अब आप जब आप शीशे के सामने देखोगे तो आप अपने साथ साथ वहां साइंस को भी देखोगे। कैसे देखोगे बच्चों? राइट और लेफ्ट टॉपिक से समझते हैं इसको। तो देखो बच्चों, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जब आप अपनी इमेज को जो डेली आप शीशा देखते हो वो प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है जिसमें आप अपने आप को देखते हो। तो जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको ऐसा ही लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन जैसे आप हो, है ना? ऐसा ही लगता है जैसे ये बॉय है, ये बॉय जब मिरर में देख रहा है तो जैसा ये है इसको एग्जैक्टली वैसा ही मिरर में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये जो मिरर में देख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो मिरर में देख रहा है ये इसकी इमेज है। क्या है? इमेज। ठीक, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट देयर इज एन वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन द मिरर। क्या आपने एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डिफरेंस को नोटिस किया कि आप और जो कि आप और आपकी इमेज के बीच में है? क्या आपने कभी नोटिस किया, ऐसा किया है? देखो बच्चों ये हम एक्टिविटी 15.4 से सीखेंगे। ठीक, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। क्या करना है आपको? आपको प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। प्लेन मिरर का मतलब आपके घरों में जो कॉमन मिरर लगे हुए हैं उनमें से किसी के सामने खड़े हो जाना। एंड लुक एट योर इमेज, और अपनी इमेज की तरफ देखना। अपने आप को मिरर में देखना तो सबको अच्छा लगता है, है ना? रेज योर लेफ्ट हैंड, और अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। कौन सा वाला हाथ उठाना है? लेफ्ट हैंड उठाना है। ठीक, आज ये एक्टिविटी बच्चों हर बच्चा अपने अपने घरों में परफॉर्म करके जरूर देखेगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड आपको उठाना है। विच हैंड डज योर इमेज रेज? अब बच्चों ऑब्जर्व करो अपनी इमेज को कि आपकी इमेज का कौन सा वाला हाथ उठ रहा है। आपने तो लेफ्ट वाला हाथ उठाया, आपने लेफ्ट हैंड उठाया,
बट इमेज का कौन सा वाला हैंड उठ रहा है? ठीक, नोटिस करो, जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो देखेंगे बच्चों कि इमेज का राइट हैंड उठ रहा है। क्या आपने नोटिस किया? लेफ्ट हैंड जब आप अपना उठाएंगे तो इमेज का राइट हैंड उठेगा। ठीक, दूसरी बात आप देखो यहाँ पे, नाउ टच योर राइट ईयर, आप अपने सीधे कान को पकड़ो। जब आप अपने सीधे कान को पकड़ेंगे तो आपका कौन सा वाला कान पकड़ा जाएगा यहाँ पे? तो आपका लेफ्ट ईयर पकड़ा जाएगा। तो जब भी आप अपने लेफ्ट पार्ट को टच करते हो तो इमेज का राइट पार्ट टच हो जाता है, और जब आप राइट पार्ट को टच करते हो अपने, तो फिर जो इमेज आप मिरर में देखते हो उसका लेफ्ट पार्ट टच हो जाता है। इसको जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। घूम घूम कर करना इसको, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस इमेज में लेफ्ट ये है, राइट ये है। ठीक है, जब आप लेफ्ट उठाते हो तो ये इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है। ठीक है, इसका राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, ये घूम गया है यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट इसका राइट, और इसका लेफ्ट तो इसका राइट। समझ में आया अच्छे से? तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट appears लेफ्ट एंड द लेफ्ट appears राइट। नोट दैट ओनली साइड्स आर interchanged. द इमेज डज नॉट appear अपसाइड डाउन, यानी सिर्फ साइड्स बदली हैं, जो लेफ्ट है वो राइट हो गया है और जो राइट है वो लेफ्ट हो गया है, बट ऐसा तो नहीं है कि ऊपर नीचे हो गया है। आपका सिर नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहे हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे का डिफरेंस नहीं होता। वरना आप सुबह उठे, आपने शीशे में देखा, आपने शीशे में मतलब प्लेन मिरर में आपने देखा, तो प्लेन मिरर में आपने अपने मुंह को देखा और आपको अपने पैर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। सिर्फ लेफ्ट का राइट होगा। अगर आप अपने राइट ईयर को पकड़ोगे तो आप जो इमेज होगी उस वो अपना लेफ्ट ईयर पकड़ेगी, ऐसा होता है। बच्चों ये करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको इन्वर्जन और वो भी अभी आपकी बुक में नहीं है तो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेटरल इन्वर्जन, क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, चलो। जो सॉ एन एम्बुलेंस, वुजो ने एक एम्बुलेंस देखी थी, ऑन द रोड साइड, सड़क के पास एक एम्बुलेंस देखी। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह तो बिल्कुल ही चौंक गया। टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर, वो बहुत अजीब तरह से लिखा हुआ था। ठीक है, एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से लिखा हुआ था, तो ये बिल्कुल शॉक्ड हो गया, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया कि ऐसा क्यों लिखा है। जैसे जो एम्बुलेंस होती है उस पर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि इस तरह से लिखा होता है, ऐसा क्यों? कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, क्या आप अब समझ गए कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों जो कार वगैरह होती हैं उसमें मिरर लगे होते हैं, है ना, ये देखो कार के सामने वाला मिरर है। अब जैसे ही इस मिरर पर एम्बुलेंस वर्ड जाएगा तो वो उल्टा जाएगा। अगर ये एम्बुलेंस सीधी तरह से लिखा होता तो इस मिरर पे जो मिरर मेनली फ्रंट पे लगे होते हैं कार्स में, इस पे ये उल्टा दिखाई देता। कैसा दिखता? उल्टा दिखाई देता। तो फिर कोई भी पीछे एम्बुलेंस आ रही होती, तो ये कैसे पहचान पाता फिर? ये तो वर्ड उल्टा लिखा होता, दैट इज़ वाई गाड़ियों पर ये उल्टा लिखा होता है, जिससे कि और अदर कार में जो यहाँ पर इस पोजीशन पे मिरर लगे होते हैं वो इसको बिल्कुल सीधा पढ़ते हैं, एम्बुलेंस। ठीक, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का डिफरेंस आता है, जिसको लेटरल इन्वर्जन के नाम से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वेन द ड्राइवर ऑफ व्हीकल
अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस, यानी जब भी कोई भी जो व्हीकल का ड्राइवर होगा अगर वो आगे है एम्बुलेंस से, लुक्स इन हर और हिज रियर व्यू मिरर, यानी अपने व्यू मिरर जो यहाँ पर लगे होते हैं कार में, ये मैं इस कार के मिरर की बात नहीं कर रही, जो जो कार इससे आगे चल रही होगी उसकी बात कर रही हूँ, तो जब वो उसमें देखेगा तो वो आसानी से रीड कर पाएगा जिससे कि वो उसे रास्ता दे सके और एम्बुलेंस सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच सके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे, यानी ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों कि हम सबको एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों एम्बुलेंस में किसी की जान का सवाल होता है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना होता है, तो हमें कभी भी उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, बल्कि एम्बुलेंस को जल्द से जल्द एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुंचे ऐसा उसके लिए कुछ इंतज़ाम करना है, ठीक है। तो बच्चों कभी भी आप में से कोई भी कितना भी जल्दी हो मगर एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकेंगे, ठीक है, और बल्कि उसको कॉपरेट और करना है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन द साइड मिरर ऑफ स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एपियर्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ। अच्छा, जो कार में जो साइड मिरर लगे होते हैं, स्कूटर में जो साइड मिरर लगे होते हैं, ठीक है बच्चों, वो जो साइड मिरर होते हैं क्या वो प्लेन मिरर होते हैं? नहीं, वो प्लेन मिरर नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको छोटा दिखाते हैं। जो बहुत बड़ी वाली कार, बहुत बड़ा वाला ट्रक जो पीछे से आ रहा है, वो उस स्कूटर या उस कार में लगे छोटे से मिरर में पूरा दिखाई दे जाता है, ठीक है, यानी इतनी बड़ी इमेज जो है, इतना बड़ा जो ट्रक है वो इतने छोटे से मिरर में पूरा दिखाई देता है, यानी छोटा सा दिखाई देता है बट पूरी इमेज आती है उसकी। ऐसा क्यों? हैव यू एवर वंडर अबाउट इट? क्या आपने ऐसा सोचा? व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्फेरिकल मिरर का केस और स्फेरिकल मिरर से खेलेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।